everyone and welcome back to my channel. So basically, आज इतने दिनों बाद वीडियो बनाने का एक बहुत खास कारण है, वो ये है कि आजकल इस टाइम पे अभी मैं जैसे आप लोगों को मैंने पिछले अपनी वीडियोस में कई बार बताया हुआ है कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो अभी जो बड़ा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है एग्जाम का. सो जो चंडीगढ़ से है या जो इंडिया में भी है उनको पता है कि आजकल बहुत चल रहा है कि एग्जाम बुक नहीं हो रहे हैं, या हमने एकदम से एग्जाम बुकिंग के लिए जैसे ही क्लिक किया तो लिंक बंद हो गया दिल्ली वालों के लिए स्पेशल. तो आज की जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पे है कि जो हमारे एग्जाम है वो बुक नहीं हो रहे हैं, तो क्या हमारे पास सिर्फ एक ग्योथे है एग्जाम देने के लिए, या हम किसी और एग्जाम बॉडी के साथ हम एग्जाम दे सकते हैं. सो बेसिकली अभी जो बहुत ज्यादा ग्योथे के बाद जो भी चल रहा है वो है टेल्क. सो आप लोगों ने सुना ही होगा टेल्क बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, बहुत से बच्चे टेल्क दे भी रहे हैं. सो आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिफरेंस बिटवीन टेल्क एंड ग्योथे. सो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है और साथ में कुछ सिमिलैरिटी भी है. बहुत सी चीजें इनकी एक जैसी भी हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में इनका बहुत ज्यादा फर्क है. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेल्क की. तो टेल्क कहाँ कहाँ अवेलेबल है. सो बेसिकली अभी टेल्क बहुत ज्यादा जगहों पे अवेलेबल नहीं है, इसकी कोई फिक्स वो नहीं है कि ये हर मंथ होता ही होता है. जैसे ग्योथे का पेपर होता है वो एवरी मंथ होता है, और दिल्ली में होता है, बेंगलुरु में होता है, चंडीगढ़ में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, अहमदाबाद में होता है, केरला में होता है, कोची में होता है, और साथ में हमारे कलकत्ता में भी होता है. लेकिन टेल्क का एग्जाम ऐसा है कि अगर मैं ये बात कहूं कि हाँ ये होता रहता है तो ये बात बहुत गलत है कहने में, क्योंकि ये होता नहीं रहता है. अभी चंडीगढ़ में टेल्क 12 अगस्त को एग्जाम है, और 12 अगस्त में बेसिकली क्या है कि सारे लेवल्स के बच्चों का टिल C1 तक के बच्चों का एग्जाम है चंडीगढ़ में. और ये ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको टेल्क मिल जाएगा. टेल्क के लिए आपको बुकिंग करवानी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंस्टीट्यूट है उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो क्या करता है, वो टेल्क को मैसेज करता है, उनको मेल डालता है, रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि हमारे बच्चे हैं इतने सारे और हमें एग्जाम देना है. तो टेल्क पूरी कोशिश करता है कि उस सिटी में आके एग्जाम लेने की. अच्छा, अब स्टोरी यहां से शुरू होती है कि ऐसा करना ही क्यों पड़ता है. वो ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आजकल जो ग्योथे की बुकिंग है, चाहे वो A1 का एग्जाम हो, चाहे वो A2 का हो, चाहे वो B1 का हो, B2 का हो, C1 का हो, C2 का हो, बुकिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. और ये सिर्फ मैं नहीं, आप सब भी जानते हैं कि बुकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. मैंने देखा है कि जो अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ग्योथे का पूरा एक ट्रिप करवाया है, उसमें बच्चों ने मुझे बहुत कमेंट किए कि एग्जाम बुक नहीं हो रहा है, एग्जाम हम कैसे बुक करें. तो आजकल यही प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये लास्ट 3-4 सालों से प्रॉब्लम है कि ग्योथे में एग्जाम बुक नहीं हो पा रहा है. लेकिन इसका साथ में उन्होंने एक अल्टरनेटिव ये दिया है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली ने अपने सेंटर जैसे फगवाड़ा है अपना सेंटर एक वहां भी खोला है. वो एक फिक्स सेंटर नहीं है लेकिन वहां एग्जाम हो जाता है. तो पंजाब वालों के लिए फगवाड़ा बहुत ईजी है जाना, दिल्ली वाले गुड़गांव में चले जाते हैं, जो जिनको दिल्ली में नहीं मिलता है वो गुड़गांव में चले जाते हैं, बेसिकली किसी स्कूल में सेंटर बना देते हैं और या फिर जयपुर में कोई सेंटर बना देते हैं, ऐसे दिल्ली वाले करते हैं सो दैट बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. अब बात आते हैं टेल्क और ग्योथे के डिफरेंस की. तो अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसकी फीस का. तो अगर हम सबको पता है कि ग्योथे की या जर्मन लैंग्वेज की टोटल 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2, और सारे लेवल्स की फीस अलग अलग है. सो अगर मैं बात करूं ग्योथे की, सो ग्योथे में A1 की फीस 9400 है, ये इंडियन करेंसी के हिसाब से है 9400. वही इसके ऑपोजिट जो टेल्क है, टेल्क की फीस है 180 यूरो जर्मन करेंसी के हिसाब से, और इंडियन करेंसी के हिसाब से ये है 16,374.28. ये वो अमाउंट है जो अभी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है. हो सकता है सिटीज के अकॉर्डिंग ये घटबट भी सकती है, मे बी ये किसी जगह पे ज्यादा हो किसी जगह पे कम हो, कम तो शायद नहीं होगी पर ज्यादा ही होगी. उसके बाद हम बात करते हैं A2 के एग्जाम की. जो ग्योथे का A2 का एग्जाम है वो 10,600 रुपीज का है. इसके कंपेरेटिवली जो टेल का एग्जाम है वो आपका 180 यूरो, सेम जैसे A1 का है सेम वैसा ही है, ठीक है, 16,374.28. और जो इसके चार्ज लगते हैं कन्वर्जन चार्ज है वो अलग से है. उसके बाद जो B1 का ग्योथे है, B1 का ग्योथे आपका 18,800 का है, जिसमें ये चारों मॉड्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ. इसके ऑपोजिट जो टेल्क है, टेल्क जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है टेल्क की, वो था 225 यूरो,
जिसका मतलब ये 20,467 रुपीज और 85 पैसे का है। लेकिन द थिंग इज अभी जो चंडीगढ़ में पेपर बुक हुआ है, B1 का पेपर हुआ है, वो ऑलमोस्ट आपका 27 अराउंड लाइक 26,900 समथिंग रुपीज के, लाइक 27,000 अराउंड ये पेपर बुक हुआ है। बच्चों ने खुद बुक करे हैं तो मुझे इसका पता है कि ऑलमोस्ट 27,000 का ये बुक हुआ है। बात आती है ग्योथे के B2 के एग्जाम की, तो B2 का एग्जाम 21,200 का है, वही टेल का एग्जाम आपका ऑलमोस्ट 27,000 का है और ये ऑलमोस्ट आपकी 296.69 यूरो, अगर मैं यूरो की बात करूं 296.69 यूरो का है। अब बात करते हैं ग्योथे का C1 का एग्जाम, तो C1 का एग्जाम अगर मैं सिर्फ ग्योथे की बात करूं तो इसके सारे मॉड्यूल्स मिला के 24,000 का एग्जाम है और यही टेल का एग्जाम आपका 27,000 का है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है C1 के एग्जाम में, और अगर मैं C1 के टेल की यूरो में बात करूं तो ये 296.69 यूरो का है, सेम जो B2 का एग्जाम है। जो ग्योथे का C2 है वो 26,000 का है। तो अभी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन निकाली उसमें टेल्क का C2 एग्जाम की फीस मुझे कहीं नहीं नजर आई। अगर आपको इसकी फीस का जरा भी आइडिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरी चीज अब है एग्जाम बुकिंग की बात। सो यही मेन प्रॉब्लम है कि टेल्क की तरफ बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्योथे है, ग्योथे की बुकिंग बहुत बहुत मुश्किल हो चुकी है। जैसे कहते हैं ना, एक लाइट की स्पीड यूं हुआ और यूं आई, तो इसी तरह से लिंक यू ओपन हुआ और यू क्लोज हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी चल रही है ग्योथे के एग्जाम बुकिंग में, चाहे वो A1 का हो, A2 का हो, B1 का हो, B2 का हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो। और जो सबसे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल की बुकिंग की डेट कल है, तो कल 11 बजे लिंक खुलता है, 11:01 या 2 पे लिंक खत्म हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे ये डेट पता है कि कल की डेट में एग्जाम खुलना है और 11 बजे खुलना है, मैं सिर्फ कल को ही देखूंगी। लेकिन अचानक से क्या होता है, सेम मंथ पे रेंडमली किसी भी डेट पे वो लिंक ओपन कर देते हैं। वो तो बाय चांस की बात है, अगर कोई बच्चे बहुत ज्यादा उसको जरूरत है वो डेली चेक करता है और बाय चांस उसको लिंक मिल जाता है, ओपन लिंक मिल जाता है, वो अपना एग्जाम बुक कर लेता है। लेकिन ये सारे बच्चों के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि सारे बच्चे ऑब्वियसली हर टाइम तो पेपर नहीं चेक करते हैं। ये मैं आपको इसलिए ऐसा बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने रैंडमली वेबसाइट खुली डेली की और लिंक वहां पर ऑन था एग्जाम का और उन्होंने लिंक अपना भर दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्योथे की एग्जाम बुकिंग की, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम एग्जाम बुक करते हैं सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ग्योथे.डे में जाके हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है डेली का, और उस अकाउंट के अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। तो ठीक है, वहां तक इन्फॉर्मेशन भरी गई, सब कुछ हुआ। थर्ड पॉइंट आता है ग्योथे की बुकिंग का, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का। अब भाई इंडिया में ना मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे, बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और फिर उन बच्चों को जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, या तो उनको किसी से हेल्प लेनी पड़ती है या उनको जाना पड़ता है साइबर कैफे में, और जहां पर साइबर कैफे वाला उनसे 800 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए ऐसे एक्स्ट्रा ले लेता है। ठीक है, और तीसरी बात जो यहाँ पर जो डिफिकल्टी आती है बुकिंग में, अब क्या होता है जैसे ये लिंक ओपन होता है तो जो पहली प्रेफरेंस मिलती है वो इंटरनल स्टूडेंट्स को मिलती है। इंटरनल स्टूडेंट्स का मतलब है जो ऑलरेडी दिल्ली ग्योथे में पढ़ रहे हैं उनको पहली प्रेफरेंस मिलती है, एक्सटर्नल्स को जो वहां नहीं पढ़ रहे उनको बाद में मिलती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं टेल की बुकिंग की। टेल की बुकिंग काफी सिंपल है। टेल्क पहले एक अपना गूगल फॉर्म भेजता है। फॉर एग्जाम्पल टेल्क ने अपना गूगल फॉर्म भेजा, मैंने उस गूगल फॉर्म को भरा और मैंने रजिस्ट्रेशन मेरी डन हो गई। और अच्छा, ये जो प्लस पॉइंट ये है, आपको ऑन द स्पॉट फीस नहीं पे करनी होती है। ग्योथे में आपको ऑन द स्पॉट फी पे करनी होती है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया, सब कुछ हो गया, आपको 2-3 हफ्ते बाद एक लिंक आता है, एक मेल आती है जिसमें वो आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं जिसमें से आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है। प्रोसेस इसका भी सेम है, क्रेडिट कार्ड के साथ फीस जाती है और लाइक जैसे ग्योथे में है वैसे इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड के साथ इसकी फीस जाती है। लेकिन द थिंग इज जो इसका बुकिंग रेट होता है, टेल का बुकिंग रेट होता है एज कम्पेयर टू ग्योथे, ये काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ये थी इसकी सेकेंड डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस हम लोगों ने किया कि इसका जो रेट है दोनों का बहुत फर्क है और एग्जाम बुकिंग इसमें कौन इजी है कौन मुश्किल है। अब बहुत से बच्चे
उनका एक बड़ा ना पेट सा क्वेश्चन रहता है कि मैम ये रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, क्योंकि ग्योते से बहुत टाइम से चलती आ रही है, और जब भी बच्चा कहीं अपना फॉर्म भरता है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, तो उसकी यूनिवर्सिटी इजिली ग्योते को एक्सेप्ट करती है। अब बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है कि भाई टेल्क को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, टेल को एक्सेप्ट किया जाता है, किया जाएगा। चाहे आप जॉब के पर्पज से जा रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्पाउस केस के लिए जा रहे हैं, टेल्क हर जगह एक्सेप्टेबल है जर्मनी में। तो इसका स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, नहीं मुझे तो ग्योथे ही लेना है क्योंकि सिर्फ ग्योथे ही रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं ऐसा नहीं है, टेल्क भी रिकॉग्नाइज्ड है, हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है, आप इजीली उसका पेपर क्लियर करके जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैलिडिटी का, मुझे आज ही एक बच्चे ने पूछा था कि मैम पेपर कितने दिनों तक या कितने सालों तक वैलिड रहता है, चाहे पेपर टेल का हो चाहे पेपर ग्योथे का हो। अगर आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपका जो पेपर होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो 2 साल तक वैलिड रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जर्मन सीख ली, अब 2 साल तक ना मैं किसी स्टडी के लिए जर्मनी गई, ना मैं किसी जॉब के लिए जर्मनी गई, 2 साल बाद मुझे याद आया कि ओहो मुझे तो जर्मनी जाना है, तो मैं दोबारा उस पेपर को दूंगी और फिर से वो सर्टिफिकेट लगा के मैं अप्लाई करूंगी वीजा के लिए। लेकिन अगर आप स्पाउस केस के लिए जा रहे हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ वहां रहते हैं और आप शादी के बाद जा रहे हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है वो 1 साल का, तो आपको विद इन 1 ईयर वहां जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं जा पाए, इन एनी केस नहीं जा पाए, तो आपको A1 का एग्जाम दोबारा देना होता है। अब बात आती है लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहती है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये ग्योथे है ये टेल्क है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे ग्योथे इजी है और किसी ना किसी पॉइंट पे जो है टेल्क है वो इजी है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लेजन की बात करती हूं, या सो लेजन में बेसिकली क्या होता है, ग्योथे में 3 टाइल्स होती हैं, 3 पार्ट होते हैं, टेल्क में भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं श्प्राग बाउश्टाइना। तो श्प्राग बाउश्टाइना में बेसिकली एक टेक्स्ट होते हैं, 2 टेक्स्ट मिलते हैं हमें, और वहां पर फिलिंदा ब्लैंक्स होते हैं और हमें उन फिलिंदा ब्लैंक्स को भरना होता है। सबसे अच्छी बात होती है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और किसी जगह पे ऑप्शंस होते हैं, हमने उनको अरेंज करना होता है। अब डिफरेंस कहाँ आता है, जो ग्योथे का लेजन है वो 60 मिनट्स का है और जो टेल्क का लेजन है वो आपका 90 मिनट्स का है। तो बेसिकली 60 मिनट्स आपके टाइल 1, 2, 3 के लिए और 30 मिनट्स आपके जो मैंने आपको श्प्राग बाउश्टाइना बताया है उसके अंदर 2 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट उसके लिए होता है, तो टोटल मिला के आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। अब ह्योरन में क्या होता है, ह्योरन में आपके पास टाइल 3 जो होते हैं टाइल होते हैं वो ग्योथे में भी होते हैं और टेल्थ में भी होते हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ, आज मैं बच्चों को टेल्थ का ह्योरन करवा रही थी, लिटरली मैं करवा रही थी आज उनको, और मैंने खुद उनके साथ जो क्वेश्चन है मैंने सोचा चलो मैं भी सॉल्व करती हूँ, जिसमें से 5 क्वेश्चन मेरे खुद के गलत है। तो यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया कुछ, यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो जो स्पीड थी, जो मैंने पर्सनली फील करी, जो स्पीड मुझे एज कम्पेयर टू ग्योथे मुझे टेल की ह्योरन की स्पीड ज्यादा लगी, बट जो टेल का ह्योरन है वो ग्योथे के ह्योरन से इजी है, स्पीड तेज है लेकिन उसके ह्योरन से वो इजी है, क्योंकि मैंने देखा वहां पर इजी वोकैबुलरी यूज करी गई थी, जो टेक्स्ट था वो थोड़े बहुत इजीली समझ आ रहे थे, बट ऑब्वियसली जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ स्पीड थोड़ी तेज थी। और सबसे ज्यादा जो आपको जो प्लस पॉइंट मिलता है वो राइटिंग सेक्शन में मिलता है, ग्योथे की राइटिंग में आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस जिसमें से 2 क्वेश्चंस 81 क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपको 40 उसका वर्ड्स लिमिट का होता है और जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो 80 वर्ड लिमिट होती है और सेम ऐसे ही 100 से 120 उसकी वर्ड लिमिट होती है। और एज कम्पेयर टू टेल्क, टेल्क में सिर्फ एक आपके पास राइटिंग सेक्शन होता है और जिसकी वर्ड लिमिट आपकी 100 से 120 होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। राइटिंग में आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, तो जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन बहुत इजी था, उसका लेवल बिल्कुल A2 की राइटिंग जितना था, तो मुझे फील हुआ कि हाँ ये बहुत इजी है और इसमें 30 मिनट्स नहीं लगेंगे, इसमें 15 से 20 मिनट्स लग के ये खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओरल एग्जाम की, सो ओरल एग्जाम एज कम्पेयर टू ग्योथे
टेल का बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज जो टेल का जो वो है एक्सप्रेशन है, स्पीकिंग पार्ट है, उसका जो फर्स्ट स्टाइल है वो बहुत बहुत इजी है। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग A1 से करते आए हैं, आप वही बेसिक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। उसके बाद जो आपकी ओरल की टाइल टू है, ओरल के टाइल टू में आपके पास एक फोटो है, आपके पास एक टेक्स्ट है, आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा है, आपने बस उसमें अपना जो माइंड होंगे, अपना ओपिनियन है वो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जो टाइल थ्री है, इसके टाइल थ्री सेम ऐसी आपके पास ग्योथे में भी है, जिसमें आप गेमाइंसा मेटवर्स प्लान, दो लोग मिलकर कुछ प्लान करें, कुछ पार्टी प्लान कर रहे हैं, कुछ इवेंट प्लान कर रहे हैं, ऐसे करके आप लोग प्लान करें, तो सेम टाइल आपके पास ग्योथे में भी है। So, ऐसे ही 15 मिनट्स आपको एक्सप्रेशन के लिए भी मिलता है। सो ओवरऑल अगर मैं एक परसेंटेज दूं, अगर मैं 100 लाइक करूं, 100 में से दूं, तो जो ग्योथे है वो 60 जो टेल्क है वो 65% मुझे ज्यादा इजी लगा एज कंपेयर टू ग्योथे, बिकॉज ऑब्वियसली राइटिंग आपका टाइम बचा रहा है, यहाँ पे राइटिंग आपके पास कम है, एक पार्ट है, इसकी स्पीकिंग बहुत ईजी है। तो ये था आपका ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन ग्योथे एंड टेल्क। सो आई होप जो ये आपका क्वेश्चन है टेल्क से रिलेटेड। अच्छा बच्चे ना एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम बुकिंग कैसे होगी, कब होगी, कहाँ हो गई। ऐसा है बुकिंग फॉर एग्जांपल आप जैसे इस बारी चंडीगढ़ में हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ में एक ही इंस्टीट्यूट आ रहा है, चंडीगढ़ में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है अगर किसी सिटी में हो रही है टेल की बुकिंग हो रही है तो आप लोग जाके टेल की वेबसाइट में देख सकते हो, वहां पर इजीली अवेलेबल है कौन सी सिटी में बुकिंग हो रही है और आप अपनी बुकिंग वहां पर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये टेल वर्सेस ग्योथे वाला ब्लॉग इजी लगा होगा और इजीली समझ आया होगा बेसिकली। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्पेशल मेरा रीजन था इस ब्लॉग को, इस वीडियो को हिंदी में बनाने का, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं बेसिकली मुझे कई लोग कहते हैं कि हिंदी में वीडियोस बना लो, उर्दू में वीडियोस बना लो, तो मुझे लगा कि ये वीडियो ऐसी है तो जिसका सच में हिंदी में मुझे ज्यादा मुझे जरूरी लगी, क्योंकि बीइंग इंडियन इंडियंस के लिए है ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि हम टेल इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्योथे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी तो आप मुझे कॉमेंट में थैंक यू कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है और आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जो मैं आगे बच्चों को बताऊं जो उनके लिए यूजफुल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो इन्फॉर्मेशन जरूर लिख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसको बिल्कुल कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।